हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये पौराणिक कथा शिव पुराण से लिया गया है। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चक्षुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शंकर जी ने कहा, महाभाग सूची आप धन्य है, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है, ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूची, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते को कृतार्थ कीजिए। सूची बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले बात है, कहीं किरानो नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कमों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक चहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता धामा योग प्रतिष्ठान पर छूस प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु यहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। यहां एक आहमन देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह जर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बंध कर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौरांग कर्पूर के समान कंबल बे हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अनुपम से उज्जासित थे और स्वाक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। ये सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूलों को मारपीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से कुछ लिया और अत्यंत अद्भुत विमान घर बिठाकर जैसे कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे खो के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात शिवदत्त कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर साम शिव के हाथों में दे दिया। शंकर जी ने कहा, महाभाग सूची, आप सर्वज्ञ हैं, महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूची बोले, शौनक, सुनो,
मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथावस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदवेताओं में हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके बड़े दुष्ट है, उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर गई विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, जहाँ के दिन ऐसे हो वहाँ अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुलित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं सल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों के ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब खिया भी कुटिल स्वभाव की खेच्छाचारिणी पापासक्त कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। ये सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक प्राम में किसी समय एक विंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्री का नाम चला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी श्रीचा काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह सी भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूर्चित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के डैक भोग कर वह मूर बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के पर जाने पर वह मूढ़हत्या बला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर यह श्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और यहाँ उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं महाकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जोखिया पर पुरियों के साथ यह विचार करती है, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में उपी हुई लोहे का परिद डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चशुत्र भय से व्याकुल हो यहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा याचने वाले उन ब्राह्मण शिव पुराण की कथा याचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। पशुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस में ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है।
मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है, मैं सर्वथा निंदा के योग्य है। कुल हित विषयों फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति मुझे पढ़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखेगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दैख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही दुखी रही है। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही दीन अबला का, आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूची कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई पशुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा,